हेलो गाइस, मैं हूं अमित भाई। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल भी होने वाला है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक भी होने वाला है। तो आप लोग भी जो है वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो भाई, हम लोग रहते हैं धरती पे, हम लोग रहते हैं अर्थ पे, अर्थ पे हम चलते भी हैं, घूमते भी हैं, गाड़ी भी चलाते हैं। हमने सोचा कि अगर हम कोई दूसरे प्लेनेट पर गाड़ी चलाएं तो कैसा रहेगा, जैसे कि हम जो है मार्स पर गाड़ी चलाएं, मंगल पर, या फिर हम जो जुपिटर पर चलाएं, या फिर सैटर्न पर चलाएं, नेपच्यून पर चलाएं, प्लूटो पे चलाएं। ये सारे जो अदर प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, उनका साइज छोटा बड़ा है और इसीलिए इनकी जो ग्रेविटी है वो भी कम ज़्यादा है। ग्रेविटी जो है मास पे डिपेंड करती है, उस ग्रह में कितना वजन है उसके ऊपर निर्भर करती है। तो यहाँ पर जो जुपिटर है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है चीज़ों को, हमारी जो अर्थ है वो नॉर्मली करती है, वो तो हम फील भी कर सकते हैं, लेकिन मून का, जुपिटर का, मार्स का, वीनस का, ये हम कभी भी फील नहीं कर सकते। इनफैक्ट यार, सिर्फ मून पे ही जो है आज तक कोई गाड़ी चला पाया है, वो भी जो है कुछ चुनिंदा लोग। लेकिन हमने सोचा कि हम आपको दिखाएंगे आज ऐसी चीज़ कि अगर हम गाड़ी चलाएं धरती को छोड़ के दूसरे प्लैनेट्स पे तो कैसा रहेगा, कैसा उनका बिहेवियर रहेगा। बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको चेंज करेंगे, जी हाँ, और हम जो है सन के ऊपर भी गाड़ी चलाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है सिर्फ ग्रेविटी मैटर कर रही है, बाकी चीज़ें जो है उनको हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर दबा देना और भाई शुरू से एंड तक स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिस करोगे और मज़ा भी नहीं आएगा। शुरू करते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि दूसरे प्लैनेट्स पर गाड़ी कैसे चलाएंगे, वहाँ जाएंगे कैसे। तो भाई, हम वहाँ नहीं जाने वाले हैं, लेकिन आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है, जो साइंस है, जो कंप्यूटर्स हैं हमारे, वो इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं कि हम सिमुलेट कर सकते हैं चीज़ों को, यानी कि वहाँ जो ग्रेविटी है, वहाँ जो है कितना फोर्स लगाती है उसकी ग्रेविटी, उसको हम अपनी जगह पर अपने कंप्यूटर के अंदर वैसे कि वैसे सिमुलेट कर सकते हैं। यानी कि जो कंडीशन है वो धरती की ही रहेंगी, पेड़, पहाड़, नदियाँ, सड़क जो है धरती का ही रहेगा, लेकिन जो ग्रेविटी है, सिर्फ जो ग्रेविटी है वो बदल जाएगी। अब ऐसे तो देखो, जो सन है उसके ऊपर कोई गाड़ी कैसे चला सकता है, क्योंकि सन जो है वहाँ तो वैसे ही जल जाएगा कोई जाएगा तो। जुपिटर जो है वो गैस जायंट है, वहाँ तो गैस ही गैस है, तो गैस पे गाड़ी थोड़ी ना चलेगी, लेकिन फिर भी उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। तो उस ग्रेविटी को अर्थ पे अप्लाई कर देंगे एक तरीके से सॉफ्टवेयर के अंदर, और इस सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करेंगे वो है यहाँ पर, जिसका नाम है बीम एनजी। यहाँ पर मुझे जो अपने डिस्प्ले में दिख रहा है वो आपको इस डिस्प्ले पे भी दिख रहा होगा, ठीक है। मुझे इधर इधर दिख रहा है, आपको उस साइड में दिख रहा है। beamng.drive जो है इसके ऊपर आपको इस तरीके की फैसिलिटी मिलती है कि हम ग्रेविटी को चेंज कर सकते हैं अलग अलग प्लैनेट्स की, मार्स की, वीनस की, प्लूटो की, जुपिटर की, सन की, सभी की ग्रेविटी को हम सिमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको खोल लेते हैं और प्ले के ऑप्शन पर जाते हैं, और यहाँ पर हम जो एक बढ़िया सा टेरेन चूज़ कर लेते हैं जिसके ऊपर हम जो हमारी गाड़ी चला सके, और ये लोड हो रहा है और भाई दूसरे प्लैनेट्स पर गाड़ी चलने वाली है। आपको कह रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसा ट्राई, अरे दूसरे प्लैनेट्स पर गाड़ी कौन चलाएगा यार। भाई तुम्हारी इच्छा हो तो चला लो यार, बहुत तगड़े साइंटिफिक एडवांसमेंट करने पड़ेंगे आपको दूसरे प्लैनेट्स पर जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास गाड़ी आ गई है और एक बढ़िया सा नज़ारा भी आ गया, आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, ठीक है, और मैं भी आपको जो है दिखता रहूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो यार मुझे इस गाड़ी का कलर जो है वो इतना पसंद नहीं आया, इसको बाद में लेंगे। पहले मैं अपनी पसंद की गाड़ी यहाँ पर जो है ले लेता हूँ, यही गाड़ी चाहिए मुझे, लेकिन चाहिए रेड कलर में, तो ये रही, यहाँ मिल जाएगी। तो भाई हमारी गाड़ी आ चुकी है, अब एक ब्लू उधर खड़ी है, चलो कोई नहीं। तो अब जो है नॉर्मल अर्थ की ग्रेविटी है और इस गाड़ी को मैं चलाता हूँ और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मैंने रेस दबाया, गाड़ी ने थोड़ा सा पहिया घुमाया, स्पीड पकड़ ली, एकदम बढ़िया से चल रही है। और भाई मैं भी देखो अभी चला रहा हूँ, अबे कहाँ चढ़ा दी मैंने, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, अबे बहुत ऊंचाई से गिर रही है, ओ गाइस यहाँ पर देख सकते हो गाड़ी की हालत क्या हो गई है। देखो यहाँ लिखा भी आ रहा है कि ये चीज़ें इसकी टूट गई हैं, ठीक है यार। तो भाई साहब अब एक काम करते हैं, अबे वो एक टायर यहाँ घूम रहा है गाड़ी का, एक काम करते हैं अब जो है वापस से अपन अपनी लोकेशन पे आते हैं और एक बार ये जो सामने दो तीन स्लोप्स हैं ना, इन पे चढ़ाते हैं। गाइस नॉर्मल अर्थ की ग्रेविटी है,
और मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा रहे कि नॉर्मल अर्थ के ऊपर ये कैसा बिहेव करती है। ठीक है, 70 की स्पीड है, गाड़ी उछली, गाड़ी गिरी और गाड़ी की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है टूट चुकी हैं, आप लोग देख ही सकते हो। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर चेंज करते हैं क्या चीज़, ग्रेविटी, दूसरे प्लैनेट पर चलते हैं, चलो मून पर चलते हैं, यानी कि सब कुछ सेम रहेगा, ग्रेविटी मून की आ जाएगी, जितना फोर्स से मून खींचता है किसी भी चीज़ को वो आ जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है हमको, यहाँ ये ऑप्शन है एनवायरनमेंट का, अर्थ जो है उसकी ग्रेविटी -9 के आसपास है, -9.8 जो कि 10 के आसपास है, लेकिन यहाँ पर मैं जैसे इसको मून करता हूँ, ये मैंने किया मून, और गाइस देखा आपने दोनों गाड़ियाँ जो यहाँ खड़ी थी ये उछल गई। उछलने का रीज़न ये था कि ग्रेविटी जो है वो कम हो गई, फोर्स कम हो गई, तो जो रबर वगैरह जो दबे हुए थे वो एकदम से खुल के गाड़ी ऊपर आ गई। और यहाँ पर आप देख सकते हो -1.6 है सिर्फ इसकी ग्रेविटी, कोई ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं गाड़ी कैसे चल पाएगी मून की ग्रेविटी में। ओह गाइस, देखा आपने, गाड़ी को ट्रैक्शन नहीं मिल पा रहा, गाड़ी को वो आप कह सकते हो कि घर्षण नहीं मिल पा रहा, टायर और धरती के बीच में जो एक ग्रिप होती है वो नहीं बन पा रही। देखो गाड़ी कहीं से कहीं जा रही है, ड्रिफ्ट मार रही है बिना बात ही। ओहो, इसको तो घुमाना भी मुश्किल होगा भाई, देखो बस टायर ही घूमे जा रहे हैं, टायर ही घूमे जा रहे हैं और ज़मीन पर रगड़ रहे हैं, धुआं निकल रहा है टायर्स में से। और इसको मैं वहीं ऊपर चढ़ाना जा रहा हूँ एक बार। और जो स्पीड मीटर है उसमें जो आपको दिखता है ना, वो व्हील्स घूमने की स्पीड है, ना कि गाड़ी की एक्चुअल स्पीड। तो भाई इस बार मून की ग्रेविटी में गाड़ी ऊपर चढ़ चुकी है और अब गाड़ी नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगी, बहुत ऊंची है। और भाई आहा, यहाँ पर इतना ऊंचाई से गिरने के बाद में भी जो डैमेज है वो नहीं हो रहा है यार, क्योंकि वेट इतना कम हो जाता है। अब एक काम करते हैं, इसको मून से चेंज करके जुपिटर करते हैं, जुपिटर पे क्लिक कर रहा हूँ। ओहो, देखा आपने, एकदम से जो गाड़ी है वो नीचे की तरफ बैठ गई। देखो मून की -1.62 है और जुपिटर की जो है -24.92 है, यानी कि धरती से लगभग यार 25 धरती की लगभग 10 है और इसकी 24 है, तो लगभग 2.5 गुना के आसपास। देखो जुपिटर की ग्रेविटी है और इस बार ऊंचे वाले पे कूदाएंगे, उस पे जो आगे है ना बड़ा वाला, और इस बार देखते हैं कि क्या होता है। इस बार हाइट तो काफ़ी है इसकी, देखते हैं गाड़ी हवा में रहेगी या नहीं, एकदम स्ट्रेट, बहुत अच्छे। ओए, कितना जल्दी जो है इसने नीचे खींच के गिरा दिया। गाइस इसका मतलब ये कि अगर इतनी ग्रेविटी धरती पे होती और हम एक ऐसे रैंप पर चढ़ते तो बिल्कुल बहुत जल्दी वो नीचे खींच देता है। ओ तेरी, कितना तगड़ा है यार इसका। एक काम करते हैं, इसको ज़रा सन करते हैं, ठीक है, एक गाड़ी लेते हैं और सन की ग्रेविटी लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गया एनवायरनमेंट में, इसमें मैं अभी ये जुपिटर है, नॉर्मल अर्थ कर लेते हैं पहले, अब करते हैं सन, इन 3, 2, 1 गो। शिट, जो गाड़ी है उसकी हालत देखो यार, गाइस जो गाड़ी है वो पिचक चुकी है यहाँ पे। ओ तेरी, अबे यार हालत देखो। एक काम करते हैं, वापस से अर्थ करते हैं। कितना तेज उछला इस बार गाइस, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टायर्स में और मेटल में आ गई ना, क्योंकि उसकी ग्रेविटी ने, सन की ग्रेविटी ने खींच के रखा था, बहुत ज्यादा जो है ग्रेविटी थी। देखो यहाँ पर जो सन की ग्रेविटी है फिर से वही हो गया, ये जो है -274 है, अर्थ की 10 से भी कम है, इसकी 274 है, यानी कि 28 गुना ज्यादा पावर से खींच रहा है। 28 जी बहुत ज़्यादा हो जाता है, 28 जी में कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। तो आप यहाँ पर हालत देख ही सकते हो यार, क्या यहाँ पर इसने इसका हल कर दिया है। एक काम करते हैं, इसको हवा में उड़ाते हैं गाड़ी को, फिर गिराते हैं। नेगेटिव अर्थ किया मैंने यहाँ पे और तुरंत जो है जो नीचे धरती खींच रही थी वो अब इसको ऊपर खींचने लग गई। और वापस से अर्थ करता हूँ तो प्लस का वापस से माइनस हो गया, अब गाड़ी नीचे की तरफ गिर रही है और इस बार देखते हैं क्या होता है। गाड़ी गिर रही है नीचे धरती के ऊपर,
एक गाड़ी टूटी हुई है, एक गाड़ी ठीक है, नहीं यार दोनों ही खराब है। ये देखना अभी तो कबाड़ है और सब कुछ टूट गया। देखो यहाँ लिखा हुआ है एग्जॉस्ट डैमेज, सब कुछ डैमेज। एक सही गाड़ी को गिराते हैं सन पे, ऐसा तो ये डैमेज थी पता नहीं लगा। अरे यार ये मैंने क्या किया सन के ऊपर ही जो गाड़ी है वो दूसरी ले ली मैंने। चलो एक बार दोबारा ले जा। अबे यार मैं गलती कर रहा हूँ, मैं सन पे ही गाड़ी ले रहा हूँ। वो जैसे ही आती है गाड़ी उतने में तो उसकी जो है कचूमर बना डालता है। पहले मुझे ग्रेविटी चेंज करनी पड़ेगी, ग्रेविटी अर्थ की किया, अब मुझे इसमें नई गाड़ी लेनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है गाड़ी आ चुकी है भाई, अब एक काम करते हैं, अब इसको ऊपर भेजते हैं नेगेटिव अर्थ, और अब इसको सन की ग्रेविटी से खींचेंगे नीचे, थोड़ा ऊपर पर ज़्यादा भी नहीं। इन 3, 2, 1 वो कबाड़ भी उड़ रहा है। गो, ओ देखा आपने, अबे आग लग गई गाड़ी में, आग लग गई गाइस। और आप एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पर ये जो फ्लेम है कितना तेजी से ऊपर जा रही है। तो गाइस जो आग है वो भी अलग अलग तरीके से लगती है यार। एक बार इसको जीरो ग्रेविटी में करेंगे, अबे तो आग वहीं पे धुआं धुआं हो रहा है, और जैसे सन पर करते हैं बहुत तेज जो लपट है वो ऊपर जाने लगती है। तो उसका रीजन कुछ ऐसा है कि जो बॉयंसी है वो ज्यादा लगती है सन के ऊपर, क्योंकि जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है इतने ग्रेविटी की वजह से, और इसी वजह से जो फ्लेम है वो बहुत तेज़ से ऊपर उठता है। जितना तेज नीचे खींचेगी चीज़ों को ग्रेविटी, उतना ही ज़्यादा बॉयंसी लगेगी। बॉयंसी का मतलब है कि जब हम किसी लिक्विड में होते हैं, जैसे हम अभी एयर के अंदर बैठे हैं, तो वो हम पे ऊपर की तरफ वो फोर्स लगाती है, जैसे कि हीलियम बलून ऊपर उठता है, वैसे ही फ्लेम भी ऊपर उठती है, हल्की हवा ऊपर उठती है। तो यहाँ पर सन पर बहुत तेज उठती है। प्लूटो अगर मैं कर देता हूँ तो प्लूटो पर जो है वो इकट्ठी होने लग जाती है, बहुत स्लो होती है। और भाई इस बार हम इसको चलाएंगे प्लूटो के एनवायरनमेंट में, ठीक है। प्लूटो जो है उसका उसकी ग्रेविटी है 0.58, यानी कि धरती से 20 गुना कम। अब सोचो 20 गुना कम में कैसी चलेगी यार। चलो गाड़ी को चलाते हैं और लेट्स सी कि क्या होता है। ओ वाह गाइस, पूरा पहिया जो है वो जबरदस्त तरीके से यहाँ पर फ्रिक्शन कर रहा है, बिल्कुल भी ट्रैक्शन नहीं मिल पा रहा गाड़ी को। तो गाइज यहाँ पर हमने लगाया दिमाग, इसको मैं जुपिटर की ग्रेविटी से भगा करके स्पीड पकड़वा देता हूँ एक बार, डायरेक्शन सेट कर देता हूँ एकदम, और अब जो ग्रेविटी उसको प्लूटो की कर देता हूँ। अभी गाड़ी हवा में उछल गई पहले ही। अबे यार इस पे कैसे चढ़ेगी, ये चढ़ेगी चढ़ेगी चढ़ेगी, ओ गाड़ी जैसे कैसे करके चढ़ गई। इतना सा टकराने पर एक बार देखो, अबे कहाँ जा रही है, अबे वो जो गोल गोल था उसके ऊपर, ओहो हाइट देखो। अब देखने वाली बात है कि डैमेज कितना होगा, डैमेज इसमें कितना होगा। ओ वाओ, इतना ऊंचाई से गिरने के बाद भी जो डैमेज है वो लगभग नेग्लिजिबल है यहाँ पर। यार मेरा शीशा मत तोड़ देना बस इस बार। हाँ रगड़ा है पर रह गया देखो, और अभी तक गाड़ी जो घिसटती हुई चले जा रही है। अब उसके ऊपर देखो यार, डेंट तक नहीं है, छोटे मोटे हैं बस, बस जो जो इसका ग्लास है वो ज़रूर टूटा है। क्या बात है, क्योंकि यार 1000 किलो की गाड़ी सिर्फ 50-60 किलो की रह गई, तो यही होना है। अरे काम करें, गाड़ी अगर एक बस को गिराएं सन की ग्रेविटी से, जो सन है वो कितना तेज चीज़ को खींचेगा तो हमको ढंग से पता चलेगा, ठीक है। एक गाड़ी की जगह एक बढ़िया सी एक बस निकलवाते हैं नई नई शोरूम से, ठीक है। मुझे ये अच्छी लग रही है, इसको ले लेते हैं और इसको पहले हवा में भेजेंगे फिर नीचे गिराएंगे। बस आ गई भाई, देखो एकदम मस्त चलती है। ये देखो गाड़ी हमारी रह गई उधर खड़ी, और एक बार देखो बस यार क्या मस्त, अब इसका लुक देख लो एक बार, क्या बात है देखो, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ग्रेविटी है उसको मैं करता हूँ नेगेटिव अर्थ, और बस आ गई हवा में। थोड़ा ऊपर जाने देते हैं, सन दबा रहा हूँ। इन 3, 2, 1 गो। हालत देखो, हालत देखो भाई, देखो एक बार पूरा क्रश कर डाला इसने तो। एक बार इसको फिर से उड़ाते हैं जरा पूरी हवा में, देखो देखो इसकी हालत देखो एक बार, वापस से सन करते हैं। आहा, बहुत ज्यादा ग्रेविटी है, बहुत ज्यादा। एक काम करते हैं पहाड़ों में चलते हैं, वहां से गाड़ियां गिराते हैं दूसरे प्लैनेट्स की ग्रेविटी में।
तो भाई ये वाला सीमेंट मिक्सचर वाला ट्रक ले रहा हूँ इस बार। तो भाई इस बार सीमेंट मिक्सिंग वाला ट्रक ले लिया है और इसको एक पहाड़ से गिराने वाले और फिर देखते हैं क्या होता है। और अभी जो है नॉर्मल अर्थ की ग्रेविटी में गिराएंगे और उसके बाद में जो ग्रेविटी है उसको भी चेंज करेंगे। चलो भाई तो भाई यहाँ पर पहाड़ से गिरने वाला ट्रक और अबे यार ओ तेरी ओ सब कुछ खुल गया है। जो ट्रक है वो खाई में जाके घुस गया है अबे यार। और अब एक काम करते हैं, ये देखते हैं कि अगर ऐसा ही जुपिटर पर होता जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा है वहाँ क्या हाल होता, क्योंकि वहाँ पता है हवा में चीज़ नहीं आ पाती। उसका रीज़न ये है कि ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं वापस से इसको होम पॉइंट पर लाते हैं। ग्रेविटी चेंज टू जुपिटर, जुपिटर ट्रक जो है वो नीचे सिकुड़ गया थोड़ा सा। मजा आ रहा है ना। उत्तरी अबे जुपिटर की ग्रेविटी है। ओह शिट, क्या हाल हुआ है। यहाँ पर जो ट्रक है ना वो बिल्कुल हवा में नहीं आ पाया, मतलब रगड़ रगड़ के ही चले जा रहा और बहुत फास्ट नीचे गिरता है। गाइस सब्सक्राइब कर लो, मुझे नहीं पता ये पार्ट बीच में कैसे आ गया, पर जिनने नहीं किया कर लो सब्सक्राइब। मून की ग्रेविटी में ट्रक चल ही नहीं सकता क्योंकि उसका वेट बहुत जो है कम हो गया। यहाँ पे बिल्कुल भी फ्रिक्शन ट्रैक्शन नहीं बन पा रहा। यहाँ पे हवा में उड़ा दें, ये लो हवा में बड़ा जल्दी उड़ जाता है। और अब गिराएंगे इसको सन के स्पीड से, सन के हालत देखो भाई साहब, इस बार तो पा चुकी है और ये चलती भी, आवाज सुनो इसकी और ये चल रही है। शूट के लिए स्पेस दबाना पड़ेगा। लिफ्ट अप कैसे होगा? अब यार ये तो गड्ढे में जा रही है, उससे पहले मैं एक काम करते हैं, रुक। अरे यार ये भी चीज़ अपन कर सकते हैं। अर्थ की ग्रेविटी में नॉर्मल शूट हुआ, अब इसको अपन जो है जुपिटर की ग्रेविटी में शूट करते हैं। एक बार फिर से लाते हैं तो शूट करते हैं, 3 2 1 गो। वाओ गाइस, देखा आपने जो गोला है वो पिछली बार ज़्यादा ऊंचा उड़ा था और साथ ही साथ जो तोप थी वो पीछे की साइड आई थी, लेकिन इस बार जो है तोप पीछे नहीं खिसकी क्योंकि ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि तोप का वजन बढ़ गया, इसलिए तोप का वेट बहुत ज़्यादा होता है और जुपिटर पर जाने के बाद में वो ऑलरेडी 3 गुना ज़्यादा हो गया अर्थ से। एक काम करते हैं इसको सन पे और ज़रा टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये सन पे कैसा काम करता है। अरे यार ये तो क्रश हो गया। एक काम करते हैं, नया वाला जो है एक नई तोप मैं यहाँ पर पे लेकर के आया हूँ, इसको शूट करते हैं, करेगा कि नहीं। तो कर दिया यार शूट, गोला कहाँ गया? और तोप जो है वो इतनी सी भी नहीं खिसकी। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से अभी लाइक कर दो, लाइक छोड़ दो। यहां पर जीरो ग्रेविटी और लॉन्च, और देखो तोप उड़ गई और तोप रुक नहीं रही है इस बार क्योंकि तोप पे कोई ग्रेविटी कुछ नहीं लग रहा, टकराएगी तो रुकेगी। देखो यहां तोप टकराई है तब जाकर के जो है रुकी और हवा में उड़ गई, तो उड़ती जाएगी अब। चलो इसको जो है सन की ग्रेविटी लगा के गिरा देते हैं और वीडियो खत्म करते हैं। तो भाई साहब मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा, आज आपने कुछ नई चीज देखी होगी कि इन प्लैनेट्स के ऊपर जो डेंसिटी है वो किस तरीके से वेरी कर सकती है, यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो किस तरीके से बेसिकली वेरी कर सकती है। डेंसिटी की बात नहीं कर रहा, पता नहीं कहाँ से दिमाग में आ गया, जो ग्रेविटी है वो सन की कितनी ज़्यादा आपको अंदाज़ा हो गया होगा। अगर आप जुपिटर पर गाड़ी चलाने की कोशिश करोगे तो आप ज़्यादा गाड़ी को हवा में नहीं ला पाओगे, लेकिन बहुत अच्छे से चला सकते हो। सन पे चलाने की कोशिश करोगे उतनी ग्रेविटी में तो भाई सोचना भी मत, वहाँ जाने से पहले इंसान मर जाएगा, ख़त्म बात। मून पे चलाने की कोशिश करोगे तो गाड़ी बहुत उछल उछल के ऊपर नीचे चलेगी, प्लूटो पे चलाओगे तो बिल्कुल भी ट्रैक्शन आपको नहीं मिल पाएगा। तो भाई मस्त कंक्लूजन है ना। तो अगर आपको मज़ा आया इस वीडियो में, आया ही हुआ डेफिनेटली, तो भाई वीडियो के लिए लाइक ज़रूर से दबा देना, लाइक का बटन ज़रूर से ठोक देना। और भाई आप लोग शुरू से अब तक बने हुए उसके लिए थैंक यू सो मच। तो भाई
चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग मजेदार धमाकेदार टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। अबे यार और बता कहाँ चले, बता कहाँ चले, दूसरे सोलर प्लेनेट पे चले क्या? कहाँ कहाँ चले जा रहे हैं यार। तो को नेगेटिव अर्थ में चलाएं, तो नेगेटिव अर्थ में उल्टा फेंकेगा।